तालियों के साथ स्वागत किया जाए मिस्टर राजू। बिल्कुल राजू आउट भले हो गए लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया, यहाँ पर अपना काम भी किया और अपना नाम भी किया इस मैदान पर, और जबरदस्त बल्लेबाजी रही। हालांकि इस बार फिर से हेलीकॉप्टर उड़ने का प्रयास था लेकिन गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए, गेंद थोड़ी धीमी रही और बिट्टू ने एक अच्छा कैच लिया यहाँ पर। तो गांगुली ने एक बड़ी सफलता, बड़ी मछली को जाल में फंसाया यहाँ पर, और जिस काम के लिए कप्तान ने उन्हें लाया था, एक छक्का लगने के बाद बिल्कुल नहीं घबराया और बिल्कुल गेंद को इस बार भी आगे रखा और अपनी जाल में फंसाया यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, और जिस विकेट की दरकार थी वो प्राप्त करते हुए 120 रनों पर छठा झटका लगता हुआ। अब मैं चाहूंगा कि बल्लेबाज का नाम हम तक पहुंचाया जाए, राहुल। राहुल हेलीकॉप्टर आते ही अपना हेलीकॉप्टर यहां पर उड़ाया और शानदार छक्के से अपना खाता खोलते हुए। राजू जी मैं इस खिलाड़ी को जानता हूं और ये इसी तरह के लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, और आते ही उन्होंने ये बता भी दिया है क्यों उनका नाम राहुल हेलीकॉप्टर है। गेंद में कोई खराबी नहीं थी लेकिन गेंद को खराब बना दिया राहुल ने अपने इस शानदार छक्के से, शानदार शॉट से। सुशांत भैया इस तरह के बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक होते हैं, अगर यहाँ से 10 या 12 गेंद खेल लेते हैं राहुल तो इस मैच में बड़ी उलटफेर हो सकती है रानीगंज टीम की ओर से। एक और यहाँ पर ठीक हमारे कवर्टी बॉक्स के नीचे गेंद सीमा रेखा से बाहर, छक्का छक्का। प्रकाश डालें और अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में प्रकाश डालें। तेरे लिए देखना है वो क्या करते हैं। यहां से दो गेंदों में दो छक्के लगा चुके हैं और शायद बाबा विस्फोटक अभी अब्सेंट हैं, हमारे माइक्रोफोन से दूर हैं, कुछ देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उन्हें जुड़ना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे आयोजनों को सफल बनाने में उनकी जो भूमिका रहती है। इसी बीच बाबा विस्फोटक अपने विशेष विमान से हमारे बीच आते हुए, और राजू जी पूरा खेल चलता हुआ अब गेंदबाजी का क्रम संभालने पुनः आए हैं गेंदबाज मुकेश। यहां अभी तक देखा जाए तो जितने भी अच्छे कार्य किए हैं बर्मन की टीम के गेंदबाज, तो यहां से और अच्छे कार्य करने की जरूरत। वहीं संकेत अलेवन रानीगंज के बल्लेबाज किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं बचे हुए ओवर में ये देखना शेष। केवल 30 गेंद, यहां से स्लोग ओवर जारी होता हुआ T20 के क्रिकेट में। मुकेश बहुत ही ज्यादा शॉर्ट बॉल, पॉइंट के दिशा में कट कर दिया गेंद को 4 रनों के लिए। अभी तक देखा जाए तो बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी और थोड़ी सी शॉर्ट बॉल डाली गई थी, शानदार कट शॉट उस इलाके को भर दिया गया है। एक और उसी प्रकार का शॉट खेलने का प्रयास लेकिन बैटर बॉल में कोई संपर्क नहीं। मुकेश एक लेफ्ट हैंडर गेंदबाज, एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के सामने और नॉन स्ट्राइक छोर पे जबरदस्त टेलर यहां पर दिखाए हैं तमाम दर्शकों को। राहुल अपने बैट से दो गेंद अभी तक खेले हैं और दोनों गेंद 6 रन के लिए तब्दील हुआ है। एक और शानदार शॉट घूम करके मारने का प्रयास, सही तरीके से बैट पर आई नहीं थी गेंद लेकिन 1 रन इस बीच मिल जाएंगे दोनों बल्लेबाज को इस सिंगल की मदद से। 100 एक और शानदार शॉट दंदनाती गेंद सीमा रेखा से बाहर चुनाव के लिए। 3 गेंदों में 16 रन के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी करते हुए राहुल
और उनके पास बहुत ही शानदार काबिलियत बल्लेबाजी करने की बिल्कुल दर्शाते हुए तीन बाउंड्री तीनों दिशा में, एक मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में और इस बीच पॉइंट और गली के बीच में से बहुत ही अच्छी गेंद, शानदार वापसी यहां पर गेंदबाज मुकेश के द्वारा। टप्पा पड़ने के बाद बाहर निकल रही थी गेंद, सफल किए थे वहां पर बल्लेबाज, रनपुट पड़ा करके सिंगल चुराने का प्रयास किया गया था लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। 16वां ओवर चल रहा है और स्कोर बोर्ड को देखा जाए तो 141 रन। बहुत ही अच्छी गेंद यहां पर, पिछले दो गेंदों में निश्चित तौर पर थोड़ी सी वापसी। ओवर समाप्त, 16 ओवर समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर 141 रन, 6 विकेट के नुकसान के बाद बचे हुए 24 गेंद। कितने रन बनते हैं? संकेत तलेबन रानीगंज की टीम टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करते हुए, थोड़ी सी यहां पर गेंदबाजों की परीक्षा होने वाली इस 24 गेंदों पर, क्योंकि 24 गेंद अगर ये दो बल्लेबाज सुरक्षित खेलते हैं तो निश्चित तौर पे 50 रन 60 रन तक पहुंच सकते हैं, और अगर यहां पर विष्णु इस ओवर में सफलता अर्जित करते हैं तो निश्चित तौर पे थोड़ी सी दबाव जी बिल्कुल कहीं ना कहीं रोमांचक मुकाबला विष्णु चले अंशु के लिए, और खेलना चाहता था मिड विकेट के ऊपर से लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। शानदार टूर्नामेंट का सबसे खतरनाक और जानदार मुकाबला चलता हुआ, रगरम रगरी वाला मुकाबला यह आप लोगों को देखने को मिलेगा कल, और बेहतरीन कट। खिलाड़ी मौजूद ऋषभ ने गेंद को फील्ड किया, मौका था दोनों ही बल्लेबाजों को छोड़ बदलने का और इस सिंगल की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 142। कल का मुकाबला फाइनल मुकाबला, चियल गर्ल्स भी मौजूद रहेंगी। और इसी बीच एक अच्छी गेंद, शानदार टूर्नामेंट का जानदार मुकाबला। देर से आए हुए दर्शकों को बता देना चाहूंगा दिबरा बाजार क्रिकेट क्लब एवं समस्त ग्रामवासियों द्वारा आयोजित अंगिका पल्ली पावर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, अंतिम सेमीफाइनल मुकाबला। एक टीम कटिहार पहले ही पहुंच चुकी है सेमी, माफ कीजिएगा, फाइनल में। फिलहाल विष्णु सामने अंशु, और उछाल लेते हुए गेंद खेलना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, चूका बल्लेबाज, शानदार गेंदबाजी, सबसे सफलतम गेंदबाज विष्णु के द्वारा। हमारे स्कोरर हैं ब्रजेश जी, विनोद जी, रितेश जी, सौरभ जी, और बेहतरीन। और अगर आप किसी कारणवश ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाए हैं और आनंद लेना चाहते हैं इस टूर्नामेंट के सभी मैचों का, तो YouTube पर सर्च कीजिए सुशांत ब्लास्टर लाइव और आनंद लीजिए इस टूर्नामेंट के सभी मैचों का। फिलहाल विष्णु सामने अंशु, और आगे बढ़कर खेलने की कोशिश। इसी बीच ओवर की समाप्ति, सत्रह ओवर की समाप्ति के बाद रानीगंज का स्कोर 143 रन है, 6 विकेट के नुकसान पर। अब इस जगह से 18 गेंद शेष, हाथों को खोलना होगा, गेंदों को भेजना होगा, रन को बनाना होगा। तो फिलहाल इस 18 गेंद में कम से कम 40 रनों की जरूरत है। अगर इस जगह से 180 बन जाता है तो फिर मुश्किल होगा। बनमनखी के लिए, और मेरी
बातों को सुना, गेंद को भेज दिया है सीधे। और पहली गेंद छक्का कहीं ना कहीं दबाव होगा अब गेंदबाज मुकेश के ऊपर। मुकेश तैयार, सामने है राहुल। आगे मैया, आगे मैया, फेनू से छक्का। छक्के की मदद से 150 को पार करते हुए 155। और हैट्रिक पर थे बल्लेबाज राहुल। 9 गेंदों का सामना करके 30 के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहा है बल्लेबाज राहुल। खतरनाक रूप में नजर आता हुआ इसी बीच बेहतरीन रन आउट का खतरा हो सकता था। शानदार फील्डिंग है। शायद पॉइंट पर खड़े खिलाड़ियों के द्वारा शानदार टूर्नामेंट, जानदार मुकाबला। कल का मुकाबला फाइनल मुकाबला होगा। चीयर गर्ल्स भी मौजूद रहेंगी। ओ हो, गेंद हवा में जरूर, लेकिन छक्का। बाबा राहुल हेलीकॉप्टर 10 गेंदों में 30 रन पर खेल रहे हैं, जबकि 19 गेंदों में 26 पर अंशु खेल रहे हैं यहां से जी। तो बिल्कुल राहुल की बल्लेबाजी पर आप क्या कहेंगे, जिस तरह से उनका हेलीकॉप्टर आज उड़ रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, उड़ाने की जरूरत है, चूंकि अगर और इसे भी शायद उड़ाया है। बिल्कुल जबरदस्त कह सकते हैं इस बल्लेबाज को। इस गेंद पे ज्यादा खराबी नहीं थी, लेकिन इस गेंद को कितना जोर से मारा और कितना लंबा ये छक्का था यहाँ पर। और बाबा विस्फोटक, जब ये अभी ब्रेक हुआ है तो एक सूचना मैं बता दूं, अगर इस टूर्नामेंट में, इस पूरे टूर्नामेंट की बात की जाए, जो बल्लेबाज, जिस बल्लेबाज ने अभी तक ज्यादा रन बनाए हैं उसकी अगर बात की जाए, अभी तक अभिषेक उर्फ निहाल 110 रन बना चुके हैं। दूसरे नंबर पर मनीष यादव 91 रन बनाकर, जबकि तीसरे पर गुरु हैं। हालांकि अभी मनीष और अभिषेक के लिए उम्मीद है बरकरार, कि देखना है कि इस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा टोटल रन स्कोरर कौन रहते हैं यहां पर। जबकि बॉल गेंदबाज की अगर बात की जाए तो गेंदबाजी में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज इस टूर्नामेंट में रहे हैं मनीष कुमार। 2 मैचों में 7 विकेट ले चुके हैं, कटिहार के ही वो भी हैं। तो मैन ऑफ द सीरीज की दौड़ में मनीष अभी तक आगे चलते हुए, अभी तक का जो खेल हुआ है अभी तक पूरे टूर्नामेंट में। बाबा विस्फोटक जी बिल्कुल, ओ हो, इस बीच एक अच्छी गेंद और लेग बाय का इशारा, रन नहीं मिलेगा। अब इस जगह से 11 गेंद शेष और दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद है क्रीज पर है। और 11 गेंदों में कितना रन बना पाएंगे, फिलहाल संघर्ष जारी। सेमीफाइनल मुकाबला
कल का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा कटिहार और आज की विजेता की टीम के बीच। कल चियल्स गर्ल भी रहेगी मौजूद। बिट्टू और डेट बॉल का इशारा, कहीं ना कहीं परेशानी में गेंदबाज है। बिट्टू सामने है, अंशु फिलहाल खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ। बिट्टू चले अंशु के लिए और जोरदार हवाई फायरिंग गेंद का इसी मारे के बाहर छह रनों के लिए। स्कोर इस छक्के की मदद से 174। देखना शेष होगा किस टोटल पर पहुंच पाती है बनमन की टीम। फिलहाल एक बार और से फायरिंग, और निर्मल सिंह जी आप जहां के भी आपके शुभ चिंतक आपको खोज रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में पहुंच जाएं। फिलहाल दो गेंदों में लगातार दो छक्का, क्या हैट्रिक लगा पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। ओहो हो हो, खेलने की कोशिश, चूका बल्लेबाज अंशु। अंशु का व्यक्तिगत स्कोर और जिस तरह की बल्लेबाजी हुई, जिस तरह का काउंटर अटैक किया यहां से रानीगंज की टीम ने, निश्चित तौर पर चिंताएं बढ़ती हुई बनमन की टीम के लिए यहां पर और एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए यहां सब संकेत। अगली गेंद और इसे फिर से हवाई यात्रा पर भेजा, इस बार फिर से गेंद विकेट के ऊपर से। अंपायर के निर्णय का प्रतीक काम करेंगे, अंपायर भी शायद छक्के की लंबाई काप रहे थे, उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया। यहां पर जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अंशु जब बल्लेबाजी के लिए आए थे, अंशु का भी यहां पर अर्धशतक पूरा होता हुआ 24 गेंदों में शानदार। जोरदार तालियां होनी चाहिए सुशांत जी। इस मैच से दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच दूरियां बढ़ेगी, क्या होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे ऐसा दिखाई देता हुआ दोनों ही टीमों के बीच दूरियां बढ़ेगी। अभी तक इस ओवर में 3 छक्के लगा चुके हैं अंशु, 24 गेंदों में 50 पर तैयार। फिर से यहां खराब गेंद और फिर से यहां पर लंबा छक्का, इस बार कवर के ऊपर से आता हुआ। और इस तरह की बात हो रही थी बाबा विस्फोटक यहां पर जी बिल्कुल, कि बल्लेबाज 11 नंबर तक है दोनों टीम में और अंशु ने यह दिखा दिया कि 11 नंबर की क्या जरूरत जब मैं यहां क्रीज पर मौजूद हूं तो। जी बिल्कुल, और बल्लेबाज अंशु के लिए एक पुरस्कार आया है सुखसोना टीम के कप्तान अमित जी की ओर से, 501 रुपये का पुरस्कार आया है अर्धशतक पूरा करने पर। बिल्कुल लगातार सुखसेना टीम के कैप्टन अमित झा हम लोगों का हौसला बढ़ाते हैं, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं और कल भी उन्होंने 500 की राशि की घोषणा की थी, हालांकि सूरज सुधम सुवर शतक से चूक गए थे, इसी बीच चिंताएं बढ़ती वरुण की टीम के लिए। यहां पर लगातार आपस में मंत्रणा करते हुए सभी क्षेत्र रक्षक
और गेंदबाज की, किसको गेंदबाजी पर लाया जाए, कम से कम विकेट ना मिले, रन रुक जाए। 192 हो चला है 6 विकेट के नुकसान पर, आखिरी ओवर की शुरुआत होगी। बिल्कुल बनौनकी के गेंदबाजों के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली कहावत हो गई है। अंशु हटते हैं तो राहुल हेलीकॉप्टर स्ट्राइक पर आते हैं, और जब राहुल हटते हैं तो अंशु आते हैं। तो अब देखना है कि राहुल आखिरी ओवर में ऋषभ का सामना करेंगे। ऋषभ सिंह आए हैं गेंदबाजी के लिए। राहुल 11 गेंदों में 30 बनाकर अभी भी नाबाद, और देखना है यहां से किस तरह की रणनीति रहती है। हालांकि रणनीति क्या होगी बाबा, यहां से सभी जानते हैं कि राहुल अपना हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास करेंगे, और देखना है कि ऋषभ सिंह उन्हें रोक पाते या नहीं। शानदार एक बड़ा मुकाबला, यूट्यूब पर भी लगातार हमारे सब दर्शक जुड़ते हुए, सभी का स्वागत। हालांकि जब मुकाबले की शुरुआत हुई थी तो दर्शक शुरू में ही जानते थे, जो भी क्रिकेट के जानकार हैं जानते थे कि आज ऐसा ही मुकाबला, यहां पर हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा, और वही यहां पर होता हुआ। ऋषभ इस मैच में पहली बार अपनी पहली गेंद लेकर, उनकी गेंदबाजी रनअप में थोड़ी सी व्यवधान होते हुए यहां पर और अपने आप को रोका। यहां पर राहुल हेलीकॉप्टर, देखना अपना अर्धशतक पूरा कर पाते हैं या नहीं। 11 गेंदों में 30 बनाकर तैयार, अभी तक दो खिलाड़ी अर्धशतक लगा चुके हैं, राजू स्टार और अंशु कुमार। राजू पवेलियन में लौट चुके हैं, जबकि राजू के हिस्से का भी अभी तक रन बनाते हुए अंशु यहां पर 56 रनों पर तैयार। अगली गेंद फुल टॉस और स्वागत छक्के से करते हुए राहुल हेलीकॉप्टर यहां पर, खराब गेंदबाजी में कहूंगा यहां पर। रन यहां पर, और राहुल का एक बार फिर से हेलीकॉप्टर उड़ते हुए, राहुल छक्का यहां से लगा रहा है, लेकिन छक्का जाकर के रानीगंज में लगता है गिर रहा है, इतना लंबा लंबा छक्का लगा रहा है यहां पर, और अपने नाम और अपने प्रतिष्ठा के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए राहुल हेलीकॉप्टर फिर से हेलीकॉप्टर होने का प्रयास। इस बार से तुराई भरी गेंदबाजी, रन आउट का एक चांस यहां पर, लेकिन सुरक्षित पहुंच चुके थे राहुल। इस बार अच्छी गेंदबाजी, नीचे रखी गेंद को थोड़ी सी अंदर की ओर आती हुई गेंद ऋषभ सिंह की, और इस गेंद को यहां पर इस बार बल्ले पर बीच में नहीं ले पाए राहुल, थोड़े से नाखुश, लेकिन 199 रन पहुंचता हुआ संकेत रानीगंज की टीम का स्कोर। लगातार उनके 5 विकेट गिरे थे बाबा, विस्फोटक तो किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि हम आप जानते थे कि इतनी आसानी से संकेत रानीगंज इस मुकाबले को छोड़ने वाली नहीं है, क्या कहेंगे बाबा विस्फोटक अभी तक के खेल पर? जी बिल्कुल, कप्तान साकेत ने एक अच्छा शुरुआत दिया था सुशांत जी। हो फिर से गेंद का सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, और इसी के साथ 200 रन पूरा होता हुआ दोहरा शतक पूरा करती हुई रानीगंज की टीम। मैं कहूंगा यहां पर खराब गेंद को रोका जा सकता था, लेकिन पूरा प्रयास नहीं दिखा पाए। वाइडिस लॉन्ग ऑफ पर जो क्षेत्र रक्षक खड़े थे थोड़े से नाखुश ऋषभ यहां पर जरूर, लेकिन अंशु जितनी तारीफ की जाए कम, जब बल्लेबाजी करने आए थे थोड़ी धीमी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद क्या विस्फोटक बल्लेबाजी की अभी तक। अगली गेंद यहां पर अच्छी गेंद, इस बार खामोश रखने में कामयाब बल्लेबाज को, रन आउट का एक चांस, डायरेक्ट हिट नहीं लगा इस बार। अगर इस बार ओवर में ऋषभ की गेंदबाजी को देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी अभी तक मिली जुली गेंदबाजी करते हुए, एक छक्के को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से जो अभी तक की गेंदबाजों की धुन आई उसके हिसाब से बाबा विस्फोटक। जी बिल्कुल है, और एक बार फिर से ऋषभ सामने है हेलीकॉप्टर बल्लेबाज राहुल। ओ हो एक प्रयास, लेकिन भैया मिसफील्ड, और इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर राहुल हेलीकॉप्टर का हो चला है 40 रन, 14 गेंदों में 40 रन, अपने अर्धशतक से मात्र 9 रन दूर, जबकि आखिरी गेंद लेकर ऋषभ तैयार। खराब क्षेत्र रक्षण एक बार फिर से ऋषभ के इस ओवर में, अगर दो क्षेत्र रक्षण खराब नहीं होते तो गेंदबाजी का ग्राफ इतना खराब नहीं होता। यहां पर आखिरी गेंद हेलीकॉप्टर फिर से उड़ाने का प्रयास, लेकिन यहां पर चूक गए दूसरे रन का प्रयास, लेकिन यहां पर बना कैसी बीच आखिरी ओवर।